सभी स्टूडेंट्स का मेमोरी मैनेजमेंट की एक और क्लास में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में, साथ ही साथ एड्रेस बाइंडिंग्स, और जब भी कोई यूजर प्रोग्राम रन करना होता है, जब उसको एग्जीक्यूशन करना होता है, तो उससे पहले वो किन किन स्टेप से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग बेसिकली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल भी बोल रहे थे, उसको जाना। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि फिजिकल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। अब आज से जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना 110% श्योर है। बेसिकली आपका ये जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, जिसमें एक क्वेश्चन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो है नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर में बेसिकली कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जब भी ये तो हम लोगों ने देख लिया कि सेकेंडरी स्टोरेज से हमें प्राइमरी मेमोरी में, यानी सॉरी मेन मेमोरी में हमें प्रोसेस को क्या करना है, स्वाइप इन करना है। सेकेंडरी स्टोरेज से हमें मेन मेमोरी में लाना है जहां पे उसका एग्जीक्यूशन होना है। तो हम मेन मेमोरी में उस प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ स्पेस अलोकेट करेंगे। तो बात करते हैं जिसको हम मेमोरी अलोकेशन बोलते हैं। अब मेमोरी अलोकेशन की बात किया जाए तो मेमोरी अलोकेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो कंटिगुअस मेमोरी अलोकेशन और दूसरा तरीका है नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। तो बेसिकली जो हमारा कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन है, इसमें हम लोग बेसिकली पार्टीशनिंग करते हैं, यानी जो हमारा मेमोरी है मेन मेमोरी उसकी पार्टीशनिंग करते हैं। उसमें बेसिकली जब भी पार्टीशनिंग की बात आएगी, दो तरह से हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग और दूसरा तरीका है वेरिएबल साइज पार्टीशन। दो तरीके हैं, एक फिक्स साइज पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग हम लोग करते हैं। जबकि नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं जिसका नाम है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ये आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन पे। तो जब भी हम बात करेंगे तो आज के लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिर उसमें हम लोग फिक्स साइज पार्टीशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की बात करेंगे। जब भी हम फिक्स साइज पार्टीशन या वेरिएबल साइज पार्टीशन करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रैगमेंटेशन की जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि दो तरह के हमारे पास फ्रैगमेंटेशन हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और दूसरा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इस जो हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स साइज पार्टीशनिंग कर रहे हैं, जब इस पार्टीशन करने के बाद हम इस पार्टीशन में कैसे अलोकेट कर सकते हैं, उस मेमोरी को अलोकेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम तीन एल्गोरिथम की बात करेंगे या तीन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। ये तीन एल्गोरिथम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू।
कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन बेसिकली होता क्या है, ये जो है बाउंड्री सेट कर देता है। कंटिगुअस का मतलब यही होता है कि हमने क्या करना है, एक बाउंड्री सेट कर देना है, और उस बाउंड्री सेट करने के बाद एक सेक्शन ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक सिंगल प्रोसेस या फाइल को हम क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। यानी कि हमारी जो मेमोरी है, मान लीजिए 1000 MB की हमारे पास मान लीजिए मेमोरी है, तो हम वहां पे बाउंड्री फिक्स करेंगे, उसमें वेरियस पार्टीशन उसके कर देंगे, वेरियस ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर देंगे, हम बाउंड्री फिक्स कर देंगे, ठीक है, और वो चेंज नहीं हो सकता है। हम क्या करेंगे, बाउंड और हर एक पार्टीशन को जो हम एक ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, पूरे मेमोरी के पोर्शन को, हर एक पोर्शन को हम एक सिंगल प्रोसेस जो है कि उसको अलोकेट करेंगे, ठीक है। अब जितने भी सिंगल पार्टीशन होंगे, जितने भी सिंगल पार्टीशन अलोकेशन होंगे, यानी हर एक सिंगल प्रोसेस को एक एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेट किया जाएगा, वो जो है एक रीलोकेशन रजिस्टर यूज करेगा। अब ये जो रीलोकेशन रजिस्टर है, ये बेसिकली क्या करेगा, एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये जो रीलोकेशन रजिस्टर है, ये फिजिकल एड्रेस को कंटेन करता है। इस रीलोकेशन रजिस्टर के साथ साथ एक रजिस्टर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट रजिस्टर, जो कि रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस को होल्ड करता है। और जितने भी लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू द्वारा जनरेट किए जाएंगे, उसकी वैल्यू इस लिमिट रजिस्टर के पास जो एड्रेस है, जो उसकी वैल्यू है, उससे हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये हमारा सीपीयू है, इसने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, तो ये कह रहा है ये जो लॉजिकल एड्रेस है इस लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम होना चाहिए। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये तुरंत दिखा देगा कि एक ट्रैप है या फिर एक एरर शो कर देगा। यदि ऐसा है तो रीलोकेशन रजिस्टर में इस लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू को ऐड करते हुए हम लोग फिजिकल एड्रेस जनरेट कर देंगे, जिससे इस मेमोरी में उसकी एक्चुअल, उस प्रोसेस की एक्चुअल लोकेशन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे आइए। अभी वेरिएबल साइज पार्टीशन पे हम बाद में आएंगे, पहले आते हैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में। बेसिकली हम पार्टीशन कर रहे हैं, तो दो तरह के पार्टीशन की हम बात करते हैं, पहला है फिक्स्ड पार्टीशन और दूसरा है आपका वेरिएबल साइज पार्टीशन। तो कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन हम लोगों को समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, सेट करना है पार्टीशन बाउंड्रीज को, और हर एक पार्टीशन में एक सिंगल कंटिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को अलोकेट करना है, किसको, प्रोसेस को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है हमारा ये मेमोरी है, हमने ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होता है, उसको यूजर एरिया होता है, ठीक है। तो हमने ओएस के लिए डिसाइड कर दिया कि मान लीजिए 20 MB का स्पेस, 20 MB का स्पेस हमने मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अलोकेट कर दिया। तो हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस के लिए एक बाउंड्री फिक्स कर दी कि जो भी इस पूरे मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहेगा वो इसी 20 MB में रहेगा, ठीक। इसी तरह से एक अगला हमने पार्टीशन किया 40 MB का, फिर अगला हमने किया 10 MB का, हमने फिर एक और पार्टीशन किया 25 MB का, फिर एक और पार्टीशन किया 5 MB का। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल साइज पार्टीशन। अनइक्वल साइज पार्टीशन ये है फिक्स्ड पार्टीशन ही, ठीक है, लेकिन ये अनइक्वल साइज पार्टीशन है, यानी कि हमने पूरे मेमोरी को अलग अलग ब्लॉक्स में
ठीक है, अलग अलग सेक्शन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हर एक सेक्शन की बाउंड्री हमने फिक्स कर दी कि हर एक जो सेक्शन है, ब्लॉक है, उसकी साइज इतनी होगी। एक दूसरा तरीका है फिक्स पार्टीशनिंग का, इक्वल साइज पार्टीशन। हमने क्या किया, 20-20 MB के जितने भी पूरा मेमोरी का साइज था, हमने 20-20 MB के क्या कर दिए, ब्लॉक्स डिसाइड कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक है, तो आइए फिक्स पार्टीशनिंग की बात कर लेते हैं। इसको हम लोग स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन डिसाइड होते हैं एट द कॉन्फ़िगरेशन टाइम। जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें क्या करना है, फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 पार्टीशन पूरी मेमोरी के कर दिए। ठीक है, अब कर दिए तो ये जो 5 है, जो नंबर है, ये चेंज नहीं। अब ये नहीं है कि बाद में हमें जरूरत पड़ी तो इस 5 को हमने 6 पार्टीशन कर लिया, 6 पार्ट में कर दिया, 7 पार्ट में कर दिया, नहीं। ये हमेशा फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन होगा, इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं या फिक्स्ड पार्टीशन भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो बाउंड्रीज है पार्टीशन के, वो भी फिक्स्ड रहेंगी, वो मूव नहीं हो सकती है। यानी कि हमने शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मान लीजिए आप 20 MB दे दिया, इस पोर्शन के लिए 40 MB दे दिया। अब हम बाद में चाहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अब 20 MB की जगह हम 40 MB कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल इन फिक्स्ड पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन में पहली चीज तो नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स्ड होंगे, चेंज नहीं हो सकते हैं बाद में, और साथ ही साथ जो बाउंड्रीज हमने डिसाइड कर दी हर एक पार्टीशन का, यानी हर एक पार्टीशन की जो साइज हमने डिसाइड कर दी, वो भी जो है कि चेंज नहीं हो सकता है बाद में। ठीक है, इसको हम लोग पहले जो है कि MFT के भी नाम से जानते थे, जिसको हम बोलते थे मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क। फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क का क्या मतलब है कि जितने भी पार्टीशन हुए हैं हर एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस रह सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी पार्टीशन हुए हैं हर एक पार्टीशन के अंदर मैक्सिमम एक ही प्रोसेस अलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है। बात आएगी कि स्पैनिंग क्या होता है, तो बेसिकली स्पैनिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है 50 MB का है, मान लीजिए कोई प्रोसेस है 50 MB का है, तो अब उस प्रोसेस को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब 50 MB की बात आई तो 50 MB तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल ही है, एक 40 MB यहाँ अवेलेबल है, 10 MB यहाँ अवेलेबल है, 25 MB यहाँ अवेलेबल है। बात आ रही समझ में? अब इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उस प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं कर, ऐसा नहीं कर 50 MB का प्रोसेस तो भाई 40 MB वाले पार्टीशन में कर दो और बचा हुआ 10 वाले में कर दो और 50 पूरा एलोकेट कर दो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आधी बात समझ में? तो ये है बेसिकली फिक्स्ड पार्टीशन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं वेरिएबल साइज पार्टीशन। वेरिएबल साइज पार्टीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बात है, वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर बाउंड्रीज हम फिक्स नहीं रखते, इसके अंदर बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, साथ ही साथ इस यानी कि वेरिएबल साइज वहां पे क्या था, बाउंड्रीज फिक्स हो जा रही थी, यहाँ पे बाउंड्री फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि हम शुरू में क्या कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है वो तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, उसके बाद से जितना भी एरिया बचता है उसको हम शुरू में उसकी पार्टीशनिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेस आता जाएगा हम क्या करते हैं, उतना ही एरिया क्या करते हैं उसको अलोकेट करते जाते हैं। जैसे एक P1 प्रोसेस हमारे पास 20 MB का आया, हमने 20 MB दे दिया, यहाँ P2 प्रोसेस 50 MB का है, हमने 50 MB दे दिया, P3 प्रोसेस आया हम यहाँ पे 40 MB उसको चाहिए था, हमने 40 MB दे दिया, यहाँ P4 आया 10 MB चाहिए था उसको, हमने 10 MB दे दिया। लेकिन फिक्स्ड पार्टीशनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोसेस, यानी कि 2 प्रोसेस हमारे पास 35 MB और दूसरा प्रोसेस है 22 MB का मान लीजिए। अब हमें
पार्टीशनिंग हमने पहले से ही कर रखी है। अब 35 MB को हमें क्या करना है, अलोकेट करना है। 35 MB को हमें क्या करना है, अलोकेट करना है। तो अब आप देखेंगे जो हमने पार्टीशन किया, भाई 35 MB को हम किसमें अलोकेट करें, 10 MB वाले में तो कर नहीं सकते हैं, उसमें आएगा ही नहीं। 25 MB वाले में कर नहीं सकते हैं, उसमें आएगा नहीं। इस 5 MB वाले में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं। आ रही बात समझ में? अब आई बात क्या है, 40 MB का हमारे पास एक ब्लॉक है, कंटिगुअस सेक्शन ऑफ मेमोरी है, एक ब्लॉक है 40 MB का। तो हमने कहा भैया ये 25 MB का हमारा प्रोसेस है, 35 MB का हमारा प्रोसेस है, हम यहाँ पे अलोकेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये फिट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब 40 MB का हमारे पास स्टोरेज था, साइज था, और हमारे प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट थी वो 35 MB की थी। तो ध्यान से देखिए, हमने 35 MB यहाँ पे दे दिया, तो बाकी अब एक प्रोसेस को यदि दे दिया, अब कोई दूसरा प्रोसेस आएगा, चाहे वो 5 MB का ही क्यों ना हो, इस वाले सेक्शन में अब हम किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते हैं फिक्स्ड पार्टीशन के अंदर। अब इसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे जो 5 MB का हमारा स्पेस है ये वेस्टेज हो गया। आ रही बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे मेमोरी स्पेस का वेस्टेज हुआ। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है जिसकी साइज है 22 MB, जिसकी साइज है 22 MB। अब बात आई भैया इसको हम कहाँ दें, तो 10 MB वाले में हम दे नहीं सकते, या 25 MB वाला हमको दिखा। जब 25 MB वाला दिखा तो हमने इसमें 22 MB को अलोकेट कर दिया, क्योंकि इसमें ये फिक्स अलोकेट हो सकता था। अब 22 MB अलोकेट करने के बाद ये जो एरिया है 3 MB का, ये भी वेस्टेज चला गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई दूसरा प्रोसेस अलोकेट कर ही नहीं सकते हैं। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग के अंदर एक बात आपको समझ में आ गई, वेस्टेज ऑफ मेमोरी आपको दिख रही है। इसी तरह जब वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की हमने बात किया, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग की जब हम बात करेंगे, तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में देखिए कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। क्लियर है सबको? यहाँ पे देखिए P1 को जितनी जरूरत थी उतना ही हमने एलोकेट किया, P2 को जितनी जरूरत थी उतना ही एलोकेट किया, P3 को जितनी जरूरत थी हमने उतना ही एलोकेट किया। आ रही बात में? तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जबकि फिक्स्ड पार्टीशनिंग के अंदर वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती थी, मेमोरी का वेस्टेज होता था। तो कॉन्सेप्ट आया, ये जो वेस्टेज है मेमोरी का, जो वेस्टेज है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन एक्चुअली है क्या, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। दो तरह का फ्रैगमेंटेशन होता है, पहला तो होता है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस है जो कि हमने जो अलोकेटेड पार्टीशन है, यानी कि जिसके नाम प्रोसेस को अलोकेट करने के बाद उस सेक्शन में जो स्पेस बच रहा है वो आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे 40 MB का सेक्शन था, 35 MB हमने एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे 5 MB का, यानी इस एलोकेटेड सेक्शन में जो वेस्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है? तो यानी कि इस वाले में 5 MB का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हुआ। इसी तरह से यहाँ पे 25 MB का हमारा सेक्शन था, ब्लॉक ऑफ मेमोरी था, जरूरत हमको 22 MB की थी, 22 MB एलोकेट करने के बाद उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अंदर कितना स्पेस वेस्ट जा रहा है, दिस इज द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। यहीं पे बात करेंगे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है कि हमारे पास
मेमोरी स्पेस होते हुए भी किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल ना कर पाए, किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोसेस इस समय, मान लीजिए 20 MB का एक और आ जाता है, P3, अभी एक 35 MB का आया था, 22 MB का आया। अब हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास और आ जाता है जो कि 20 MB का है, ठीक। अब 20 MB हम कहाँ अलोकेट करेंगे, कहाँ अलोकेट करेंगे? तो भाई देखिए, इस 40 वाले में तो अलोकेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी अलोकेट है, ठीक है। भले ही यहाँ पे 5 MB का स्पेस अवेलेबल है, फिर भी हम उसके अंदर तो कर ही नहीं सकते हैं। अब जो बचा हुआ हमारे पास पार्टीशन है, सेक्शन है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, जैसे यहाँ 10 MB बचा है, यहाँ 15 MB बचा है, आ रही बात समझ में? अब हमारे पास ये 10 MB, 15 MB, यहाँ 3 MB, 18 MB, यहाँ 5 MB, 18 5 23 MB का हमारे पास स्पेस अवेलेबल है मेमोरी के अंदर, लेकिन इस 20 MB का जो प्रोसेस है, इसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इससे जो ये अनअलोकेटेड पार्टीशन है, जो अनअलोकेटेड पार्टीशन है, जैसे ये 10 MB का और ये 5 MB का, दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है सबको? तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। आगे चलते हैं। इसी तरह से हम यदि वेरिएबल साइज पार्टीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो ठीक है कि इनिशियली हमने क्या कर लिया, वेस्टेज को अवॉइड कर लिया, ठीक, वेस्टेज को अवॉइड कर लिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे P2 और P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं या किसी कारण से टर्मिनेट होते हैं, तो ये आउट हो जाएंगे मेमोरी से। तो ये जो है बीच में होल क्रिएट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो होल्स हैं, इसमें हम नए प्रोसेस को अलोकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास ये 50 MB का एक होल बचा है और 10 MB का एक होल बचा। अब आगे आने वाले कोई नया प्रोसेस 50 MB या उससे कम का आता है, या 10 MB या उससे कम का आता है, तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसको अलोकेट करने, ये होल जो है नए प्रोसेस को अलोकेट करने के काम तो आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए यदि 50 MB से कम का, 50 MB से कम का है, तो मान लीजिए 40 MB का कोई प्रोसेस, तो हमने इस होल में उसको अलोकेट किया, अगेन यहाँ पे 10 MB हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टेज, अगेन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और यही यदि 50 MB से ज्यादा का है, 50 MB से ज्यादा का है, तो ना तो हम इसमें अलोकेट कर सकते हैं और ना ही इसमें अलोकेट कर सकते हैं। बात आ रही है? मान लीजिए 55 MB का है, तो 55 MB ना तो इस होल में आ पाएगा और ना ही इस वाले होल में आ पाएगा। तो अगेन ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया, क्योंकि ये भी होल खाली रह गया, ये भी होल खाली रह गया। तो बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ये हमारी फिक्स फिक्स साइज पार्टीशन में भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेरिएबल साइज पार्टीशन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंटिगुअस मेमोरी, फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हमने क्या बताया आप लोगों को, कि ये एक वेस्टेज या लॉस ऑफ मेमोरी है, ड्यू टू मे बी अ फ्री मेमोरी इज नॉट बीइंग रीयूज्ड आर नॉट एबल टू अलोकेट इट। एक ऐसा वेस्टेज है जिसको हम ना ही रीयूज कर पा रहे हैं और ना ही किसी प्रोसेस को उस मेमोरी को अलोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो दो तरह के फ्रेगमेंटेशन की अभी हमने बात किया, यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये हमने आपको बताया कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि जो अलोकेटेड मेमोरी है यानी कि जो पार्टीशन हमने किया हुआ है उसका जो साइज है, जो प्रोसेस की रिक्वायर्ड मेमोरी है उससे ज्यादा। जैसे यहाँ पे 40 MB का हमारा ब्लॉक था, हमें जरूरत 35 MB की थी, तो ये 5 MB क्या है, एक्स्ट्रा है, वेस्टेज है। रिक्वायरमेंट कितने की थी, 35 MB की, और साइज आप अलोकेटेड मेमोरी कितनी है, 40 MB की। तो 40 MB इज ग्रेटर देन 35, ठीक। तो चूंकि ये क्या है, इस सेक्शन के अंदर ये जो ब्लॉक है मेमोरी का, इसके अंदर ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्यों, इसका नाम ही इसीलिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पड़ा, क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी ऑफ अलोकेटेड पार्टीशन। क्यों, क्योंकि ये इंटरनल वेस्टेज ऑफ मेमोरी है अलोकेटेड पार्टीशन के अंदर, इसीलिए नाम इसका पड़ गया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है, वैसा मैंने बताया कि जो टोटल मेमोरी स्पेस है टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट बट इट इज कंटिग्यूअस, यानी कि हमारे पास मान लीजिए कोई 50 MB का कोई प्रोसेस है। अब हम देखेंगे 50 MB कहाँ आएगा भाई, कहाँ आएगा, तो कहीं नहीं आ पाएगा, ठीक है, कहीं नहीं आ पाएगा 50 MB। तो ये जो ब्लॉक खाली रह गए जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे ये 40 MB का एक ब्लॉक, ये 30 MB का एक ब्लॉक, ये खाली रह गया, ठीक है। तो ये दिस इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका नाम ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों है, क्योंकि ये अनअलोकेटेड मेमोरी पार्ट है, यानी जो पार्टीशन हमने किया है उसमें से वो पार्ट है, वो पार्टीशन है, वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो कि अनअलोकेटेड है, वो कहीं भी अलोकेट नहीं किया, उस ब्लॉक को यूज ही नहीं कर पाए हम। जबकि देखा जाए तो 40 और 30 70 MB के दो पार्टीशन थे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस था वो 50 MB का था, और एक प्रोसेस को एक ही ब्लॉक के अंदर हम लोग अलोकेट कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे ये जो है कि हम अलोकेट नहीं कर पाए, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम लोग वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस नहीं क्रिएट हो पा रहा था। क्यों, इसलिए क्योंकि जितनी जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी हम डायनेमिकली उसको क्या कर रहे थे, अलोकेट कर रहे थे, उतना ही मेमोरी का हम पार्टीशन ही क्रिएट कर रहे थे एट द रन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन के समय जो भी प्रोसेस आता था उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको जरूरत होती थी उतना ही हम अलोकेट कर रहे थे। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को से बचने के लिए हम लोग वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का यूज करते हैं, जबकि यदि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इससे बचने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट, या फिर नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का यूज करके हम लोग जो है इससे हम लोग बच सकते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से हम लोग बच सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं फ्रेगमेंटेशन पे बार बार जोर दे रहा हूँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल। अब बात करें कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन क्या होता है, तो कॉम्पैक्शन को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि हम करते क्या है, यहाँ पे आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखिए, अब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट किया था, ये बीच में इसने काम कंप्लीट, P2 और P4 ने काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
P2 और P4 ने जब काम कंप्लीट कर लिया तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पे ये होल क्रिएट हो गया, यानी कि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो गया। तो कॉम्पैक्शन के अंदर हम लोग करते क्या है, इसको सफल करते हैं, सफल करके जो भी एलोकेटेड पार्टीशन है उनको नीचे की तरफ हम क्या करते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे, और ऊपर जो है सारे जो जितने होल्स हैं उनको एक साथ कर देंगे, जिससे एक बड़ा साइज हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जिसका हम यूज किसी नए प्रोसेस को एलोकेट करने में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है 20 है, 20 को हम नीचे खसकाएंगे, ठीक है, और इस होल को ऊपर ले जाएंगे, तो 20 यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये होल ऊपर चला गया, ठीक। इसी तरह से 40 वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला होल यहाँ पे आ गया, ठीक। अब अगर यहाँ पे 20 वाला था वो यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये वाला होल जो है यहाँ के बजाय यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ जा चुका था, तो यानी कि 40 सबसे नीचे आ गया, उसके ऊपर जस्ट 20 आ गया। अब उसके बाद ये दोनों क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है। तो अब ये जो होल केवल 50 MB का था और ये 10 MB का जो अलग अलग था, अब ये कंबाइन होके हमारा क्या हो गया, 60 MB का हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल हो गया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी नए प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर दूर हो गया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जब साइज ज्यादा हो जाएगा तो हम किसी भी प्रोसेस को उसको एलोकेट कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, क्लियर है सबको। अब आइए पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं, पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। जब भी हम पार्टीशन एलोकेशन एल्गोरिथम की बात करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग के अंदर, तो बेसिकली तीन तरीके हैं हमारे पास, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या कहता है, ये जो है किसी भी प्रोसेस जिसको मेमोरी का साइज यानी ब्लॉक एलोकेट करना है, ये हर एक क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा मेमोरी को, और जहां भी उसको फर्स्ट ब्लॉक अवेलेबल मिल जाएगा जिसमें वो प्रोसेस की जितनी साइज है वो रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाएगी, वहीं पे उसको एलोकेट कर देगा। बेस्ट फिट क्या कहता है, वो पूरे हर एक पार्टीशन को पूरी मेमोरी को सर्च करता है और उस ब्लॉक को सेलेक्ट करता है जो सबसे क्लोजेस्ट हो, जो सबसे क्लोजेस्ट हो साइज में, जितनी उसकी रिक्वायर्ड उस प्रोसेस के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड स्पेस की जरूरत है उसके बिल्कुल क्लोजेस्ट हो या बराबर हो, ऐसे पार्टीशन को सबसे पहले सेलेक्ट करता है, बेस्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है, वर्स्ट फिट सबसे पहले पूरे हर एक पार्टीशन को, होल पार्टीशन को सर्च करेगा और उस ब्लॉक को सेलेक्ट करेगा सबसे पहले जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी और उसको सबसे पहले प्रोसेस को एलोकेट करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट फिट का, बेस्ट फिट का और वर्स्ट फिट का। हमारे पास मान लीजिए 5 प्रोसेस हैं, हमारे पास टोटल 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4 एंड P5। P1 की जो रिक्वायर्ड साइज है वो है 80 MB, P2 की जो रिक्वायर्ड साइज है वो 60 MB, P3 25 MB, P4 15 MB, P5 30 MB। अब यहाँ पे हमने एक अनइक्वल फिक्स्ड पार्टीशनिंग किया हुआ है, जो कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग किया हुआ है, जो कि एक पहला जो ब्लॉक है वो 100 MB का है, दूसरा जो ब्लॉक है वो 20 MB का है, तीसरा जो ब्लॉक है वो 80 MB का है, चौथा जो ब्लॉक है वो 30 MB का है, और पांचवा जो ब्लॉक है वो 40 MB का है, वो 40 MB का है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट फिट का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एलोकेशन करते हैं। तो सबसे पहले P1 आया 80 MB, तो ये क्या करेगा, शुरू से एकदम बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से सर्च करना शुरू करेगा, ये देखेगा भाई ये 80 MB
किस ब्लॉक के अंदर आसानी से आ सकता है, जो भी उसको पहला ब्लॉक मिलेगा जिसके अंदर वो आ सकता है उसी को अलोकेट कर देगा। ठीक है, तो ये मिला पहला, ये मिला, ये 100 MB का ब्लॉक था, चाहिए कितना था भाई, 80 MB अलोकेटेड, अलोकेट कर दिया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस उठाया P2, 60 MB, फिर अगेन यहीं से स्टार्टिंग से स्कैन करना शुरू करेगा। ठीक, स्कैन करना शुरू करेगा, भाई ये यहाँ तो अब हो नहीं सकता है, ये 20 MB का यहाँ मिला, ये 80 MB का दूसरे यहाँ पे मिला, और जरूरत कितनी थी 60 MB की, तो यहाँ पे इसको अलोकेट कर देगा। P3 उठाया 25 MB, अब 25 MB को अलोकेट करने के, फिर स्टार्टिंग से स्कैन करना शुरू करेगा। ये ऑलरेडी अलोकेटेड है, इसकी साइज 20 MB ही है, ये ऑलरेडी अलोकेटेड है, इसकी साइज 30 MB है, जरूरत कितने की है, 25 MB की, अलोकेट कर दे। अब आइए P4, 15 MB का है, अगेन यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करेगा, पहला भाई अलोकेट है, दूसरा 20 MB, ये खाली है अभी, जरूरत कितनी है, 15 MB, अलोकेट कर दे। ठीक है, अब आया P5, P5 को अगेन यहाँ से स्टार्टिंग से स्कैन करना शुरू किया, करते 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 देखा यहाँ पे 40 MB का स्पेस यहाँ पे खाली था, जरूरत 30 MB की थी, अलोकेट कर। तो आप देखेंगे इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्यों, 100 MB का ब्लॉक है, 80 MB ही यूज हुआ, 20 MB खाली, 20 MB का ब्लॉक है, 15 MB यूज हुआ, 5 MB खाली, 80 MB का ब्लॉक है, 60 MB ही यूज हुआ, बाकी का 20 MB खाली, आ रही बात समझ में। तो इंटरनल फ्रेगमेंट, बेस्ट फिट की बात करें तो ये सबसे पहले सबको सर्च कर लेगा, भाई बना लिया, 80 MB की जरूरत है, कहाँ अलोकेट करेगा, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट होगा, तो जो सबसे क्लोजेस्ट हुआ तो यानी ये वाला जो ब्लॉक था 80 MB का ब्लॉक ही था और 80 MB की जरूरत थी, इसको दे दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है 60 MB, अब जितना बचा खाली उसमें सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 100 MB वाला दे दिया। अब आया 25 MB, जितने खाली बचे उसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, 30 MB वाला दे दिया। फिर आया 15 MB, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 20 MB वाला अलोकेट कर दिया। P5 आया 30 MB, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, 40 MB वाला दे दिया। ये था बेस्ट फिट, क्लियर। अब आते हैं वर्स्ट फिट, 80 MB का हमारा प्रोसेस है, 100 MB वाले ब्लॉक में हमने, क्योंकि सबसे बड़ा वही ब्लॉक है, हमने दे दिया। P2 की जब बात आई, 60 80 का ब्लॉक था, उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो 80 का था, हमने दे दिया। P3 की बात आई, 25, तो सबसे बड़ा ब्लॉक हमारे पास 40 वाला था, हमने दे दिया। उसको ऐसा है 15, तो अब हमारे पास जो सबसे बड़ा ब्लॉक बचा है वो कितना MB का बचा है, वो बचा है हमारा, वो बचा है हमारा 30 MB का, सबसे बड़ा 30 MB का दे दिया। अब P5 आया 30 MB का, और अब हमारे पास जो बचा है वो केवल 20 MB का ही ब्लॉक बचा है, यानी ये 30 MB उस 20 MB में हम अलोकेट नहीं कर सकते। जब अलोकेट नहीं कर सकते हैं तो ये यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो गया, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो गया। तो ये था आपका बेसिकली पूरा कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इसका एक जो मेन एडवांटेज है कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन का, कि वो है आपका प्रोसेसिंग स्पीड। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन में जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, वो बहुत ही फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि एक बार में एक पूरे ब्लॉक को ये क्या करता है, एक्सेस करता है। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा एक एक स्पेस को यदि वो करता है तो उसमें टाइम है, यहाँ तो पूरा का पूरा ब्लॉक उसको एक्सेस करना है। ठीक है, उसको रीड करना है, तो ये रीड करने के एक एक ब्लॉक को रीड करता है तो उसमें स्पीड इसकी बढ़ जाती है। तो
जो इसका मेन डिसएडवांटेज है फिक्स साइज पार्टीशन का, वो आपको भी समझ में आ गया होगा कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी ये सबसे ज्यादा है। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो है कि ये सबसे बड़ा जो है कि इसका डिसएडवांटेज है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का। यहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस पूरे लेक्चर को ध्यान से बार बार आप लोग इसको जो है कि देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से मैं इस लेक्चर को बना दूंगा। लेकिन आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेजिंग की बात करेंगे, यानी नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की तरफ बात चलेंगे, मूव करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।